जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न को, जिससे कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस के इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल साइंस और साइंस की मीनिंग, डेफिनेशंस और नेचर भी देखेंगे कि फिजिकल साइंस का नेचर क्या होता है, साइंस या फिजिकल साइंस की मीनिंग क्या होती है और इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। इन पॉइंट्स को आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी का बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, यानी कि साइंस किसे कहते हैं। तो देखिए, विशेष ज्ञान, किसी भी विशेष ज्ञान को जानना, आपके प्रकृति में जो भी आसपास की चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, वो ऐसा है तो क्यों, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में ज्ञान एकत्रित करना, विशेष ज्ञान एकत्रित करना, वास्तव में यही विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान को अगर आप शब्दों में समझने की कोशिश करें तो विज्ञान शब्द से अभिप्राय विशेष ज्ञान से है। यह ज्ञान प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त किया जाता है, इसे ही विज्ञान कहते हैं। अब हर एक चीज़ में अगर आप देखेंगे तो साइंस है। जैसे पीछे अगर ये दीवार ऐसा है तो ऐसा क्यों है, कितने इंच का है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, ये कैसे कंस्ट्रक्शन में आया, कितने दिन इसकी वैलिडिटी होगी, इन सारी चीज़ों को जानना, इकट्ठा करना और उतने ही बजट में आपको और बेहतर बनाना, ये सारी चीज़ें क्या है, एक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा हर एक चीज़ भी आप मोबाइल में देख रहे हैं, इसमें कौन से साइंस काम कर रहा है, इस क्या है विज्ञान, आखिर कैसे मैं यहाँ से बैठ के आप तक वीडियोज़ को पहुँचा दे रहा हूँ। सिंपल सी बात अगर हम ये कहें बच्चों, तो क्या है कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना, ठीक है, उससे जो ज्ञान प्राप्त करना है, उस विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी साधारण सी बात जिसको हम समझते हैं विज्ञान के तौर पे। अब अगर हम इसकी कुछ टिपिकल मीनिंग्स की बात करें, जैसे एग्जाम्स में आपसे पूछ दिया कि विज्ञान शब्द, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साइंस शब्द के बारे में आप क्या जानते हैं, तो देखिए साइंस जो है, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं और इसे लैटिन के साइंसिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या हो गया, जानना, मतलब जानना, साइंस का मतलब क्या हुआ, जानना। अब जानना है आपको, हर एक चीज़ जानना है, और वास्तव में हर एक चीज़ जानना ही आपका क्या है, साइंस के अंतर्गत आता है। अब आइए, छोटी सी वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, और डेली आपको डेली बेसिस पे क्लासेस मिलेंगे। तो इस टॉपिक में अगर हम आगे बात करें कि साइंस की परिभाषा के बारे में, तो आपने अब तक जो समझा ना, बस उसी को लिख देना है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि भौतिक जगत में जो घटनाएं, जब भौतिक जगत में जो घटित होता है, उसका क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गई बात, क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। इसमें कुछ पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि आपके भौतिक जगत में घटित होने वाली घटनाओं के सुसंगठित अध्ययन क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। सुसंगठित अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया विज्ञान कहलाती है। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इस परिभाषा को देखिए, व्यापक रूप से प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान है। मैंने कहा ना सुसंगठित, व्यवस्थित, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, या सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचर इज नोन एज द साइंस। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टमेटिक अध्ययन से अर्जित ज्ञान, और इस ज्ञान के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुण आदि के बारे में अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो ये हो गई बात बच्चों विज्ञान की परिभाषा के बारे में, जो कि एक नंबर दो नंबर में अक्सर आपसे पूछ लेता है। आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसे आपको जानना है, जो कि आपके सिलेबस में है, वो ये है, क्या है कि भौतिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि भौतिक शब्द आया कहाँ से। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो भौतिक शब्द है वो वेदों में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका मतलब होता है प्राकृतिक, वेदों में इसको प्रयोग किया गया है। अब इसी से भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। हालांकि जो भौतिकी शब्द है उसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स ग्रीक के फ्यूसियस से बना है, जिसका अभिप्राय है प्रकृति। तो चाहे आप वेदों में उपयुक्त होने वाला शब्द भौतिक की बात करें, जिसका भी अर्थ होता है प्राकृतिक, और अगर हम ग्रीक वर्ड फ्यूसियस की बात कर लें तो फ्यूसियस का भी वर्ड अर्थ होता है, अभिप्राय है प्रकृतिक। ठीक है, तो भौतिक का मतलब क्या हुआ, प्रकृति। अगर हम दोनों चीज़ों को मिला दें, भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, तो हम क्या मतलब, आपको प्रकृति के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित अध्ययन करना, ज्ञान अर्जित करना, यही तो हो गई ना भौतिक विज्ञान। अगला पॉइंट आपका यही होगा कि भौतिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आइए जरा उसको देख लेते हैं कि भौतिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जरा,
यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है बच्चों कि दैनिक जीवन में होने वाली अनेक प्रकृति घटनाएं, जैसे वर्षा के मौसम, भाई वर्षा कैसे होती है, इवापोरेशन होता है कि नीचे से पानी वाष्प बन किया जाता है, ऊपर बादल बनते हैं, उसके बाद वर्षा होती है, बादलों के बनने का कारण वर्षा होना, चंद्रमा तथा सूर्य ग्रहण लगना, और तमाम ऐसी घटनाएं दोस्तों, जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए कि प्रकाश का कैसे जमीन तक आना, फिर प्रकाश का परिवर्तन होना, फिर उस प्रकाश से सौर ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित करके उसका इस्तेमाल करना, ऐसी तमाम घटनाएं, वायु ऊर्जा को वायु से कन्वर्ट करके उसको वाइंड एनर्जी में करना, फिर उसे इलेक्ट्रिक जनरेट करना, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका अध्ययन क्या है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं दोस्तों। एक बार हम फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि दैनिक जीवन में होने वाली अनेक प्राकृतिक घटनाएँ, जैसे मौसम, बादल का बनना, वर्षा का होना, चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण का लगना, ठीक है, अंतर्गत आदि भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार विज्ञान की वह शाखा जिसके प्रकृति द्वारा या प्रकृति के गुणों तथा व्यवहारों के बारे में अध्ययन किया जाता है, भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने कहा ना भाई, विज्ञान का मतलब होता है प्रकृति, और विज्ञान का मतलब होता है ज्ञान इकट्ठा करना, और भौतिक का मतलब प्रकृति। तो प्राकृतिक चीज में हो रही घटनाओं का अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी लेना, वो चीज़ें होती हैं तो क्यों होती हैं, इन ये सब किसके अंतर्गत आएगा, भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आएगा। और इस ऐसे ही आप शब्दों में लिख लीजिएगा, बड़े अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बड़ा अच्छा से आपका एग्जाम्स निकल जाएगा। अगला बात देख लेते हैं, अगला बात जैसे भौतिक विज्ञान की अगर हम परिभाषा की बात कर लें, भौतिक विज्ञान को कैसे परिभाषित कर सकते हैं आप, हाँ सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो बेहतरीन आपसे अच्छे से तैयार हो जाए उसको हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर हम बात कर ले बच्चों भौतिकी विज्ञान की परिभाषा की, तो देखिए, विज्ञान वह शाखा है जिसमें प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं की भौतिक गुणों और विभिन्न प्राकृतिक ऊर्जाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। आपने देखा अभी तक आपने जो पढ़ा था उसी से हमने यहाँ पे परिभाषा इसको बना दिया। फिर से देख लेते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के भौतिक गुणों और विभिन्न प्राकृतिक ऊर्जाओं के सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरी परिभाषा को देख लें कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं। अब प्राकृतिक घटनाएँ क्या होती हैं, वर्षा क्यों आती है, बाढ़ क्यों हुआ, भूकंप क्यों आया, और सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी कैसे, ये सारी क्या प्राकृतिक घटनाएं। इसके अलावा भी जो मैन मेड इफेक्ट्स हैं, जो मानव निर्मित घटनाएं, उसके बारे में भी अध्ययन आता है, लेकिन प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, क्योंकि फिजिक्स का अर्थ क्या होता है, भौतिक, तो आसानी से कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसे हम भौतिक विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। परिभाषा भी देख लिया आपने भौतिक विज्ञान के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ की आधुनिक भौतिक के मतलब मॉडर्न फिजिक्स के अगर हम जन्मदाता की बात करें, तो न्यूटन, आइजैक न्यूटन, या फिर गैलीलियो, या फिर आइंस्टाइन, इन तीनों को हम मानते हैं कि ये क्या है, ये इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। जैसे कि अगर हम वैदिक की बात करें, वैदिक का क्या, हालांकि हमें वो चीज़ें पढ़ाई नहीं गई हैं, ठीक है, वरना आर्यभट्ट जी जब थे तो वो खगोल शास्त्र के इतने अच्छे विद्वान थे, क्योंकि उस दौर में उन्होंने पाई की वैल्यू बताई थी, वो भी संस्कृत में बताई थी, पाई की वैल्यू बताना हो गया, या फिर जमीन से लेकर सूरज तक की दूरी का बताना हो गया। तो इन तमाम तरीकों की चीज़ों को अपने भारत के लोगों ने इस पर चर्चाएँ करी, खोज करी, लेकिन उन चीज़ों को हम तक नहीं पहुँचाया गया, हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो कभी हिस्सा रही नहीं। वरना एक वीडियोस मैंने बनाई है, और आप कभी भी आप पढ़ेंगे ना आर्यभट्ट जी के, उनके आर्यभट्ट की जो किताबें खगोल शास्त्र पर लिखी थी, बेहतरीन किताबें, हालांकि मैंने भी पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ मैंने जो भी रिसर्च किया उनके बारे में, उससे मुझे पता चला कि जो आर्यभट्ट जी ने, उन्होंने ग्रहों की दशा, ग्रहों की चाल, जमीन से पृथ्वी तक की दूरी, और एक दोहा उन्होंने बताया था, ठीक है, एक संस्कृत की दोहा बताई थी जिसमें उन्होंने पाई का मान बताया था, ऑलमोस्ट 3.14 मतलब 2-3 अंक तक बनाया था उन्होंने, एग्जैक्ट मान बताया था, वो ये बताया था निकालना कि कैसे किसी भी सर्कल का आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया था। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न टाइम्स की, मॉडर्न आधुनिक विज्ञान की, तो आधुनिक में, मॉडर्न फिजिकल साइंस में, आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है, आइज़ैक न्यूटन को भी कहा जाता है, हमें वो चीज़ें पढ़नी भी पड़ती हैं। तो दोस्तों हमें क्या करेंगे, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, एक एक पॉइंट करके हम अध्ययन करेंगे ताकि चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, एक पॉइंट और हम देख लेते हैं, जो कि कई बार सवाल आपसे पूछता है, जिसको एक्सप्लेन भी आपको करना है, मैं यहाँ पर आपको हेडिंग बता रहा हूँ, एक्सप्लेन भी आपको करना है, ठीक है। जैसे पहला क्या है कि नेचर क्या है, साइंस का प्रकृति क्या है, तो पहला है भाई सिस्टमेटिक और अंडरस्टैंडेबल,
से ये व्यवस्थित होती है और समझने योग्य होती है। अगर आप एक साइंस के विद्यार्थी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक होती है और समझने योग्य होता है। जैसे आपकी प्रकृति से जुड़े चीज़ों का अगर आप अध्ययन करें तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी वस्तु का गति करना या फिर उसको रुक जाना, बल लगाना, कार्य, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, समझने योग्य होती हैं और एक सिस्टमेटिक होती हैं, एक्यूरेट भी होती हैं। बिल्कुल सही बात है, एक्यूरेट होती हैं। अगर मान लीजिए हम न्यूटन की ही बात कर लें तो उन्होंने गति के जो नियम दिए हैं, जैसे समीकरण जो उन्होंने दिया था v = u + at, ठीक है, या फिर उसके बाद भी अगर हम जिस दूसरे s = ut + ½at², ठीक है। तो आप इसको अगर मान लीजिए, अगर आप इसको रियल में भी अगर आप चेक करना चाहें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी फाइनल वेलोसिटी 5 km/s है, इनिशियल जितना है और उसके अंदर एक्सेलरेशन त्वरण इतना लग रहा है, तो कितने समय तक गति करेगी, तो इन सारी चीज़ों का आप जनरली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत हद तक एक्यूरेट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये बहुत हद तक एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या है भाई, अगला हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसकी ये तर्क और कल्पना का मिश्रण। एग्जैक्टली, तर्क और कल्पना। पहले हम कल्पना करेंगे कि ये चीज़ें हैं तो ऐसा क्यों है, ठीक है। फिर उस पर साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, उसका नॉलेज इकट्ठा करेंगे, फिर उस पर अपना लॉजिक देंगे, उस पर तर्क देंगे। साइंस क्या है भाई, विज्ञान जानने का एक तरीका है। एग्जैक्टली, कि आपके आसपास आपके सराउंडिंग में ये चीज़ें घटना क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, ये जानने का एक तरीका है, ठीक है, जानने की स्किल्स है। विज्ञान एक मानवीय प्रयास है, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एंडेवर है, कि सही बात है, आपको जानने का प्रयास करना है, मानव प्रयास है, हम जानना चाहते हैं। इसकी वैधता होती है, लंबे समय तक रहता है, वैध होता है। जैसे कि अगर हम बात करें स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 m/s² और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो यूनिट का इंपॉर्टेंस आपको पता होगा। तो ये क्या है भाई कि हमारी पृथ्वी पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, कि कोई अगर वस्तु स्वतंत्रता गिर रही है तो पृथ्वी किस गुरुत्वाकर्षण से उसको खींचेगी, 9.8 m/s², तो ये क्या है, वैलिड है, ठीक है, इसको चेक भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू चेंज, परिवर्तन के अधीन। एग्जैक्टली, परिवर्तन के अधीन भी है। हम इसको क्या करते हैं, इसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले हमें माना जाता था कि कोई भी एक एटम जो है वो किससे बनी, मिलकर बनी है, वो मिली छोटे छोटे सॉरी कोई भी पार्टिकल्स जो कोई भी अणु है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है, परमाणुओं से मिलकर बनी है, कोई भी मोल एटम से मिलकर बनी है। लेकिन फिर उसको परिवर्तन किया गया, अब परमाणुओं को भी थोड़ा सा तोड़ दिया गया, अब कहा जाता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें डेफिनेटली हैं कि चेंजेबल हैं। अब हो सकता है कोई उसको भी तोड़े, ठीक है, उससे भी सूक्ष्म कणों का की निजात करे, उसे सूक्ष्म कण निकाले। तो ये चीज़ें क्या है, परिवर्तन के अधीन है। अगर आप इससे बेहतर रिसर्च करें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो हम देख क्या रहे हैं बच्चों, हम देख रहे हैं कि नेचर ऑफ फिजिकल साइंस। कई बार सवाल आपसे पूछता है, और जब नेचर ऑफ फिजिकल है तो कई बार आपसे मिक्स करके पूछता है कि भौतिकी विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ, परिभाषा और प्रकृति पे व्याख्या करिए, प्रकृति पे प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज पॉइंट इसको आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन जरूर करिएगा अगर 15 नंबर में आपसे सवाल लॉन्ग में पूछता है। तो वैज्ञानिक अन्वेषण विभिन्न विधियों के उपयोग करते हैं, ठीक है, खोज करने की बात करिए। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यूज ऑफ वेराइटी ऑफ मेथड्स, कई तरीके से इसको क्या करते हैं, हम इसको विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं इससे खोज करने के लिए। और स्थायित्व होता है, ये अस्थायित्व भी होता है। अब कोई ऐसी बात नहीं है कि जी की वैल्यू अगर इंडिया में 9.8 है तो हम कहीं और जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं, ये क्या होता है, मतलब अस्थायी होता है, बहुत जल्दी फ्लैक्सीबल या परिवर्तनीय नहीं होता, ठीक है। क्यूरियोसिटी ऑफ अ गुड शुड बी इनका, जिज्ञासा अच्छी और इसके प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली बात है, विज्ञान की जिज्ञासा बहुत अच्छी, क्योंकि हर चीज़ें क्या है, जिज्ञासा इसे हमें अध्ययन करने को मिलता है और इसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये दोस्तों बात हो गई इसकी प्रकृति की। अब दोस्तों अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट आ रहा है, वो क्या है भाई, स्कोप। स्कोप मतलब भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र, फिजिकल साइंस कौन कौन से फील्ड में काम करता है। अब आप देखेंगे ना, बहुत ऐसे सारे फील्ड हैं, भौतिक विज्ञान कहाँ काम नहीं करता ये बताइए। अगर आप बात करें, ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, स्पोर्ट्स में काम करता है, मेडिकल में काम करता है, एग्रीकल्चर में काम करता है, केमिस्ट्री में काम करता है, तो हर एक जगह पे काम करता है आपका फिजिकल साइंस। तो हम इस पॉइंट्स को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें हमने एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। दोस्तों इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि आप विज्ञान के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि विज्ञान क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हमने देखा, इसके अर्थ के बारे में देखा, कि साइंस को हम साइंसिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है जानना, ठीक है, जानना इसका मतलब होता है। विज्ञान की परिभाषा के बारे में हमने देखा कि भौतिकी जगत में जटिल घटनाओं
जटिल घटित घटनाओं को क्या करते हैं, अध्ययन क्या करना है, विज्ञान कहलाता है। उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उनके बारे में अध्ययन करना, इसीलिए तो विज्ञान को जानना कहते हैं। अगर हम भौतिक की बात करें तो भौतिक का अर्थ होता है प्रकृति। ये हिंदी में वेदों से लिया गया है और इंग्लिश में फिजिक्स फ्यूसियस ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। रिकैप कर रहे हैं फटाफट से। फिर हमने देखा कि भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत क्या आते हैं, जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं हमारे आसपास वो सारी चीज़ें, उसका अध्ययन भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भौतिक विज्ञान की परिभाषाएं हमने देखी। भौतिक विज्ञान के मॉडर्न फिजिकल साइंस के अगर हम फादर की बात करें तो आइज़ैक न्यूटन, आइंस्टाइन और गैलीलियो को माना जाता है। और फिर उसके बाद हमने नेचर देखा और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस। देखो, सिंपल से एक रिक्वेस्ट आपसे ये करना है कि डेली आप प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए। डेली अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो एक टाइम तक मुश्किल से 15 से 20 वीडियो में, उतने से कम, उससे कम में मैं कोशिश करूँगा कि आपके ये पूरा जो फिजिकल साइंस है उसको कम्प्लीट कर दूँ। और एक और रिक्वेस्ट ये है कि आपका कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसके अलावा, वो आप हमें बताइए, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में सेकंड टॉपिक के साथ, द स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी इज द ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो सेल्फ स्टडी करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। और नहीं जुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक जानी चाहिए, आपकी क्लासमेट तक जानी चाहिए, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। बेस्ट जगह है शेयर करने का आपके कॉलेज का ग्रुप, आपके क्लासरूम का ग्रुप। तो आप अपने कॉलेज के ग्रुप में इसको जरूर भेज दीजिए ताकि बच्चों के भाई फ़ायदा हो जाए। सो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए।